हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैसे हम एग्ज़ाम से एक या दो दिन पहले पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें या टॉप कर सकें, क्योंकि आजकल सभी कॉलेज या स्कूल के बच्चे यही चाहते हैं कि वे अपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़ें और अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें, क्योंकि वे ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं और वे यही चाहते हैं कि वे सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स टाइम में पढ़ें और अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी दो टिप्स दूंगा जिसके बाद आप भी अपने एग्ज़ाम्स के एक या दो दिन पहले पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में या क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन, फ्रेंड से पढ़ें। आपका कोई भी फ्रेंड हो जो पढ़ने लिखने में अच्छा हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप कितना आपको आता है और कितना आपको नहीं आता। सो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देगा और सारी चीज़ का जितना भी आपका डाउट है आपका क्लियर कर देगा। और आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो उसको टीचर से पूछने में आपको शर्म आती है या आप घबराते हो, हिचकिचाते हो कि मैं पूछूं यार क्या कहेंगे, कि ये बात भी नहीं आती। ये सब बातें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ पढ़ेंगे तो ऐसी बातें कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएगी। आप अच्छी तरह पढ़ सकोगे और कोई भी आपका डाउट होगा वो आप आराम से क्लियर कर सकोगे, और वो आपका फ्रेंड है सो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देगा और आपको कभी भी मना नहीं करेगा और सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ा देगा। बहुत कम टाइम में हिंदी में बता देगा या जैसे भी आपको कम्फर्ट लगे वैसे आपको अच्छे से समझा देगा, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ा देगा। सो ये है आज की हमारी टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, नोट्स बना लें। जब भी आपका फ्रेंड आपको पढ़ाएगा तब आप हाथों हाथ अपने खुद के नोट्स बना लें। आपकी किसी भी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, हिंदी में या आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें नोट्स बना लें, खुद की लैंग्वेज में सिंपल नोट्स बनाएं, ताकि आप जब भी उसे रिवाइज करो या पढ़ो तो आपको आ जाए कि आपके फ्रेंड ने आपको क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या आना है। जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बना लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद कैसे रख पाओगे। अगर आप गलती से कुछ भूल गए तो आप उसे आराम से अपने नोट्स में दोबारा देख सकते हो। सो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो अगर आप अपने फ्रेंड से दोबारा पूछोगे, बार बार पूछोगे, तो वो भी परेशान हो जाएगा कि यार ये तो पीछे पड़ गया। तो इससे अच्छा है कि आप अपने खुद के नोट्स बना लें, अपनी खुद की सिंपल लैंग्वेज में उस चीज़ को जो भी आपका फ्रेंड आपको पढ़ाए उसको लिख लें, ताकि उसको आप जब चाहे जहाँ चाहे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और आपका जो कुछ भी याद हुआ पढ़ा हुआ है वो सब आप रिमाइंड कर सकते हैं खुद के दिमाग में। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये आज की हमारी टिप नंबर टू है, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में और टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ये थी हमारी टिप नंबर टू। सो ये थी हमारी दो टिप्स। टिप नंबर वन, फ्रेंड से पढ़े। टिप नंबर टू, नोट्स बना लें, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपका बहुत अच्छी तरह रिव्यू हो जाएगा। आप जितनी बार चाहे अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को पढ़ पाओगे और जितना अच्छा आप रिविज़न करोगे उतना अच्छा आप अपने एग्ज़ाम में लिखोगे। सो ये थी हमारी दो टिप्स। अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप भी अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और बहुत अच्छी तरह टॉप भी कर पाओगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सो ये थी हमारी दो टिप्स, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।